Hi everyone, मैं हंसराज कुमार फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्रोनी रिफाइनरी बेगूसराय। जैसा कि हमने एसिड बेस बैलेंस का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसका ज़रूर रेस्पॉन्ड करेंगे। साथ ही सेकेंड पार्ट अपलोड होने में थोड़ा हमें समय लगा, उसके लिए सॉरी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ा, अब हम सेकंड पार्ट में एसिड बेस इम्बेलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड की पीएच होती है 7.35 to 7.45। अब जैसा कि पीएच स्केल में दर्शाया गया है, 0 से लेकर 6.8 तक की जो पीएच होती है वो डेथ की कंडीशन होती है। 6.8 से लेकर 7.35 से की जो कंडीशन होती है वो एसिडोसिस की कंडीशन होती है, और 7.45 से लेकर 7.8 की जो पीएच होती है वो एल्कोलोसिस की कंडीशन होती है। इसके साथ ही 7.8 से लेकर 14 तक की जो पीएच होती है वो डेथ की कंडीशन होती है। अब हम एसिड बेस इम्बेलेंस के टाइप्स की बात करते हैं। तो एसिड बेस इम्बेलेंस 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एसिडोसिस एंड सेकेंड एल्कोलोसिस। अब हम बात करते हैं कि एसिडोसिस क्या होता है। तो एसिडोसिस वह कंडीशन होती है जिसमें या तो H+ आयन की मात्रा बढ़ जाए या फिर बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाए, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड की पीएच है नॉर्मल पीएच से वो बिलो 7.35 पीएच हो जाएगी, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एसिडोसिस। सेम अब बात करते हैं एल्कलोसिस की। एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, या तो H+ आयन की मात्रा कम हो जाए या फिर बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाए, उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, एल्कलोसिस। और एल्कलोसिस की कंडीशन में पीएच जो होती है वो मोर देन 7.45 होती है। अब हम बात करते हैं कि एसिडोसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो एसिडोसिस 2 प्रकार के होते हैं मेनली, एक फर्स्ट रेस्पिरेटरी और सेकंड मेटाबॉलिक। सेम एल्कलोसिस भी इसी प्रकार से, फर्स्ट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, सेकंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। व्हाट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इंक्रीज इन H+ आयन या हाइड्रोजन आयन कॉज्ड बाय एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन। मींस एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन की बढ़ी हुई मात्रा या इंक्रीज मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, जो पीएच होती है वो बिलो 7.35 होती है। अब हम देखते हैं कि एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन होता क्यों है। एनी कंडीशन कोजेज ऑब्स्ट्रक्शन और एनी डिफेक्ट इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ लंग्स, मीन्स लंग्स के नॉर्मल फंक्शन में कोई डिफेक्ट हो, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसकी वजह से क्या होगा, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन। अब हम बात करते हैं कि एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वेंटिलेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी CO2 और O2 का एक्सचेंज होने को हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन। एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है, इनसफिशियंट वेंटिलेशन लीडिंग टू हाइपरकैपनिया विच इज एन इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मीन्स जो वेंटिलेशन है वो इनसफिशियंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरकैपनिया की कंडीशन डेवलप होती है। हाइपरकैपनिया क्या होता है, हाइपरकैपनिया का मतलब होता है CO2 की बढ़ी हुई मात्रा को हम क्या कहते हैं, हाइपरकैपनिया कहते हैं। अब हम उन कॉजेज की बात करते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ लंग्स में। फर्स्ट ऑफ लेते हैं हम अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा का मतलब होता है स्पाज्म रिजल्टिंग फ्रॉम एलर्जन इरिटेंट्स इमोशंस कॉजेज द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट रिजल्टिंग इन इनइफेक्टिव गैस एक्शन। मीन्स किसी एलर्जन इरिटेंट्स या इमोशन की वजह से स्मूथ मसल्स और ब्रोंकियोल्स की जो स्मूथ मसल्स है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है या स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। सेकंड देखते हैं हम क्या कॉजेज हैं, सेकंड है एटीलेक्टेसिस। एटीलेक्टेसिस का मतलब होता है जो एल्वियोलर सेक होता है वो कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट कॉज की हम बात करें इडिमा। पुलमोनरी इडिमा होता है कैसे है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एल्वियोलर डिफ्यूजन और जो परफ्यूजन होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं COPD। COPD क्या होता है, COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिजीज। ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लंग डिजीज होती है जिसके अंदर 2 चीज़ होती है मेनली, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सेकेंड एम्फाइसीमा।
एम्फाइसिमा क्या होता है, जो एल्वियोलर सेक होता है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि प्रोडक्टिव कफ दैट इज प्रेजेंट एटलीस्ट 3 मंथ ईच ईयर फॉर द 2 ईयर्स। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के नेक्स्ट कॉज की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कॉज है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है जो ब्रोंकाई होती है वो डायलेट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जो ब्रोंकाई की जो वाल होती है वो वीक हो जाती है, उसमें डिस्ट्रक्टिव चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट कोज देखें तो हम ब्रेन ट्रोमा। ब्रेन ट्रोमा क्या होता है कि जो मेडलोब्लगोटा या रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस होने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। सेकंड हम नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस डिप्रेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने वाली जो मेडिकेशन होती है जैसे कि सेडेटिव, एनेस्थेटिक, नारकोटिक्स होती हैं, ये सब भी क्या रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन डिप्रेस होता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है। अब हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ जो साइन सिम्टम है वो है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन कैसे होता है कि वैसे हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है, इनसफिशिएंट वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन है यानी जो रेस्पिरेशन है वो डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा इंक्रीज होने की वजह से ब्लड की जो पीएच है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। अब सेकंड जो मैनिफेस्टेशन है वो है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन कैसे अराइज होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसिडोसिस कंडीशन में एच प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, तो पोटेशियम क्या करते हैं कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ आ जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन आयन बाहर से सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोटेशियम जो है हाइड्रोजन आयन को कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्या कि एसिडोसिस को कॉम्पेंसेट करने के लिए सेल के अंदर से बाहर की तरफ आ जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपरकैलेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। थर्ड जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है ड्राउजीनेस, यानी जो पेशेंट है उस पेशेंट को फील होगा उसको स्लीपी फील होगा, उसको नींद सी आ रही होगी। थर्ड जो है डिसोरिएंटेशन, यानी जो पेशेंट है वो प्लेस पर्सन के प्रति वो जागरूक नहीं रहेगा, उसको नहीं पता रहेगा कि वो कहाँ पे है, यानी पेशेंट को महसूस होगा कि जो उसका सर है या फिर उसका जो सराउंडिंग्स है वो उसको चारों तरफ घूम रही है। हेडेक, कोमा, कोमा की कंडीशन भी अराइज होती है। कोमा का मतलब होता है कि जो अनकॉन्शियसनेस होती है उसको हम कहते हैं डीप स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस को हम क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है वो रैपिड और इनएडिक्वेट होती है। नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है वार्म फ्लश स्किन, यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि जो व्यक्ति का जो फेस है नेक है उसके ऊपर रेड 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 पूरा रेड रेड हो जाएगा उसका फेस। एंड नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी जो बीपी है उसकी वो कम हो जाएगी। नॉर्मल बीपी होती है अपनी 120/80 और जो बिलो 90/60 से बिलो यदि ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। और जो नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है सीजर। अब हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में रखा जाता है। सेमी फाउलर पोजीशन क्या होती है, सेमी फाउलर पोजीशन का मतलब होता है हेड एंड ऑफ बेड है, बेड का जो हेड वाला पार्ट है वो 30 से 45 डिग्री के बीच एलिवेटेड करके रखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सेमी फाउलर पोजीशन की वजह से क्या होता है कि जो लंग्स है वो एक्सपांड हो जाते हैं और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ पुल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाता है और जो एब्डोमिनल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है मैनेजमेंट वो है सक्सनिंग। सक्सनिंग क्या होता है कि हम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो थिक सिक्रेशन या म्यूकस है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, इस रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम सक्सनिंग के थ्रू सक्सन करके बाहर निकालते हैं। अब हमें ये भी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए कि सक्सनिंग करने से पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि सक्सनिंग के करते समय सक्सन का प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल जो सक्सनिंग का प्रेशर है एडल्ट के अंदर 100 से 120 mmHg और जो चाइल्ड है उसके अंदर 80 से 100 mmHg और जो नियोनेट है उसमें 60 टू 80 mmHg होता है। यदि कोई जो नियोनेट है वो प्री टर्म है तो उसका जो प्रेशर होगा सक्सनिंग का वो होगा 40 टू 60 mmHg। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट में, तो नेक्स्ट मैनेजमेंट में हम पेशेंट का क्या करेंगे, इंक्रीज हाइड्रेशन, उसका हाइड्रेशन
हाइड्रेशन को बढ़ाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो पुलमोनरी इडिमा जिस पेशेंट में होता है उसको जो फ्लूड है वो फास्ट नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो मैनेजमेंट में एनकरेज डीप ब्रीथ एंड कफिंग एक्सरसाइज, उस पेशेंट को क्या होंगे डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करेंगे, साथ ही उसको कफिंग करने के लिए मोटिवेट करेंगे। यदि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन भी प्रेजेंट है तो उस पेशेंट को एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ ही यदि पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कोई साइन प्रेजेंट है और उसका जो CO2 का लेवल है 50 mmHg से ऊपर हो गया है तो उस कंडीशन में एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकंड वन हम लेते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। व्हाट इज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस? डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉज्ड बाय एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन, यानी एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन की मात्रा का डिक्रीज होना, जिसकी वजह से जो ब्लड pH है वो मोर देन 7.45 हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे कि एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन होता है। इससे पहले हम हाइपरवेंटिलेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाइपरवेंटिलेशन की जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है वो और स्टिमुलेट हो जाता है। उसके कुछ कारण या कॉजेज दिए गए हैं जिसके अपन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट कॉजेज है हाइपरवेंटिलेशन। हम बात करते हैं एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन क्या होता है, तो इंक्रीज इन एल्वियोलर वेंटिलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो CO2 का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और जो पार्शियल प्रेशर जो CO2 है वो डिक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं हाइपोकैपनिया कहते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को उत्पन्न करती है। सेकेंड जो कॉज है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है ऑक्सीजन को इंक्रीज करती है, जिससे कि हाइपरवेंटिलेशन की वजह से क्या होता है कि जो CO2 का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। थर्ड वन जो कॉजेज है वो है स्टेरिया। स्टेरिया की कंडीशन में क्या होता है एक ये स्टेरिया जो होता है साइकोन्यूरोसिस की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है वाइग्रस ब्रीदिंग होती है, जिससे क्या होता है एक्सेस मात्रा में जो CO2 है एक्सेल कर दी जाती है और ये कंडीशन क्या करती है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को उत्पन्न करती है। थर्ड वन जो है वो है ओवर वेंटिलेशन बाई मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब इससे कैसे होता है कि क्या होता है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन की मात्रा में O2 को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो CO2 है वो उसका लेवल जो है डिप्लीट हो जाता है और पेशेंट हाइपरवेंटिलेट होने की वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन उत्पन्न होती है। फिफ्थ नंबर पे जो है वो है पेन साइकोलॉजिकल एंड इमोट्रोमा। इसकी कंडीशन क्या होता है पेन, इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर का और स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन उत्पन्न होती है। अब सिक्स नंबर का जो कॉजेज है वो है फीवर। अब फीवर की वजह से कैसे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है, फीवर में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को और स्टिमुलेट करता है, जो कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को उत्पन्न करता है। अब हम रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है इनिशियल हाइपरवेंटिलेशन कॉजेज टैकीपिनिया। शुरुआत में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो हाइपरवेंटिलेट होता है और जो कि क्या करता है टैकीपिनिया को कॉज करता है। टैकीपिनिया का जो मतलब होता है वो होता है कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, वो है हाइपोकैलेमिया। अब हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया होता कैसे है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एसिड बेस इम्बेलेंस को करेक्ट करने के लिए पोटेशियम एक्सचेंज होता है। जब रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा है वो डिक्रीज हो जाती है, तो जो पोटेशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से इंट्रा सेलुलर फ्लूड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पोटेशियम का जो लेवल है वो बिलो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं हाइपोकैलेमिया। अब हम नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो है हाइपोकैल्सीमिया। अब हम बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है कि हम जानते हैं कि एसिड बेस इम्बेलेंस को करेक्ट करने के लिए प्रोटीन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को करेक्ट करने के लिए अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है। जैसा कि हम फॉर्मूला में पढ़े थे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCHNH2COOH। तो जो CHOOH के अंदर जो H हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट है
वो रिलीज करती है, और बचा हुआ जो है C OO-, इसके साथ क्या होता है, जो कैल्शियम आयन है वो बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम की कमी हो जाती है, और इसी की वजह से क्या होता है टिटनी की कंडीशन डेवलप होती है। अब हम नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लेथार्जी एंड कन्फ्यूजन। पेशेंट जो है इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट बिल्कुल लेथार्जी रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, मोर देन टेकिकार्डिया, डिसरिथमिया, कन्वल्जन, टिटनी, जैसा कि हमने बताया कि हाइपोकैल्शेमिया होने की वजह से टिटनी की कंडीशन अराइज होती है, नमनेस, टिंगलिंग, सीजर्स, नोजिया, वोमिटिंग एंड एपिगैस्ट्रिक पेन आदि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर होते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है वो है एनकरेज एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न। पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। सेकेंड वन जो है वो है वॉलंटरी होल्डिंग द ब्रीथ, यानी पेशेंट को कहा जाना चाहिए कि अपनी जो ब्रीदिंग है ब्रीद है उसको वॉलंटरी होल्ड करके रखें। ये क्या ये जो चीज़ है वो जो एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल जो हो रही है उसमें सहायता मिलती है, वो एक्सहेल कम होती है। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है रीब्रीदिंग मास्क एंड CO2 ब्रीदिंग विथ पेपर बैग। मतलब एक रीब्रीदिंग मास्क होता है, रीब्रीदिंग मास्क होता है क्या, एक प्लास्टिक रिजर्वायर बैग होता है दैट सेव 1/3 ऑफ पर्सन एक्सहेल्ड एयर, यानी जो पर्सन की 1/3 जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसको सेव करके रखता है। दिस अलाउ द पर्सन टू रीब्रीद सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कुछ मात्रा उसको रिब्रीद करने के लिए अलाउ करता है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड केयर फॉर वेंटिलेटर पेशेंट, यानी जो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है उसको स्पेशल केयर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। ऐसे पेशेंट की जो वेंटिलेटर सेटिंग होती है उसमें टाइडल वॉल्यूम तथा रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करके रखा जाता है, ताकि क्या हो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन में सुधार हो या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन अराइज ना हो। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर टिटनी। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोकैल्शियमिया की वजह से क्या होता है टिटनी होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉज्ड बाय एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से हाइड्रोजन आयन का इंक्रीज हो जाने को हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अंदर जो पीएच होती है वो कितनी होती है, बिलो 7.35 होती है। अब हम बात करते हैं कैसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस अराइज होता है। तो फर्स्ट ऑफ कॉज है वो है डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा, या तो इंसुलिन बनता नहीं है या फिर बनता है तो वो उस पर काम नहीं करता, यानी सेंसिटिव नहीं होता सेल्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, और ये कंडीशन क्या करती है डायबिटीज मेलाइटिस अराइज करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है बढ़ा हुआ ग्लूकोज क्या होता है जब उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो बॉडी क्या करती है अपनी बॉडी में प्रेजेंट फैट का ब्रेकडाउन करती है। फैट का ब्रेकडाउन होने से क्या होता है कि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेकेंड जो नंबर पे जो है कॉज है वो है रीनल इनसफिशिएंसी। क्या रीनल इनसफिशिएंसी होने से क्या होता है कि जो किडनी ट्यूबुल्स होते हैं यानी जो किडनी होती है वो क्या करती है कि एक्सेस मात्रा में जो एसिड होता है उसको रिमूव करती है, पर क्या होता है रीनल इनसफिशिएंसी के अंदर वो एसिड को रिमूव नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है। थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है हाई फैट डाइट। हाई फैट डाइट की वजह से भी क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है। हाई फैट डाइट में कौन से है? जैसे एग्स है, एग्स का जो अंदर का पार्ट है वो उसके समय तक अपन खाते हैं, या फिर चीज़ है, ये सब जो चीज़ होती है वो उसमें हाई फैट डाइट होती है। तो ये हाई फैट डाइट होगी तो क्या होगा जब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन बॉडी क्या है एसिडिक नेचर के होते हैं। अब हम फोर्थ वन कॉज की बात करते हैं, वो है इनसफिशियंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इनसफिशियंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा वही फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैट का ब्रेकडाउन होने से कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस अराइज होगा। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है माल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन, यानी स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में क्या होगा पेशेंट बहुत समय से कुछ खाया पिया नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा अपनी बॉडी के अंदर जो फैट होती है उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने से वही कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन और एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है।
सिक्स नंबर का जो पॉइंट है वो है एक्सेसिव इंजेशन ऑफ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन, यानी एस्पिरिन के एक्सेसिव इंजेशन की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अब एस्पिरिन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है, एस्पिरिन क्या करती है कि सीएनएस रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उस पर वर्क करती है। जब एक्सेस मात्रा में एस्पिरिन का इंजेशन होता है तो क्या करती है, ये फर्स्ट 3 आवर्स में सीएनएस रेस्पिरेटरी सेंटर को वेंटिलेशन की कंडीशन होगी। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ऑक्साइड की जो मात्रा है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन क्या होगा, जब एस्पिरिन सेल्स के अंदर पहुंच जाएगी तो जब सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद क्या होगा, वो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होगी। अब जो नेक्स्ट कॉज है वो है सीवियर डायरिया। डायरिया की कंडीशन में क्या होता है, जो एलाइन है उसका लॉस होता है। एल्केलाइन का लॉस होने की वजह से क्या होगा कि कंपेरिजम टू एल्केलाई जो एसिड का जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। फर्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है कुस्मोल्स रेस्पिरेशन। कुस्मोल रेस्पिरेशन का जो मतलब होता है वो होता है डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन। कुस्मोल रेस्पिरेशन कैसे होता है, जब क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हाइपरवेंटिलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन होता क्या है, इस वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन की कंडीशन अराइज होती है। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब एसिडोसिस की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया। क्यों होता है हाइपरकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम एक्सचेंज होता है। पोटेशियम एक्सचेंज होता है तो क्या होता है कि जो एक्सेस मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन बने हुए होते हैं उनकी जगह कंपेंसेट करने के लिए जो सेल्स के अंदर जो पोटेशियम होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और एक्सेस मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन है वो सेल के अंदर चले जाते हैं ताकि कंपेंसेशन हो, ताकि एसिडोसिस को करेक्ट हो। इस वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हाइपरकैलेमिया की कंडीशन अराइज होगी। थर्ड नंबर का जो क्लिनिक मैनिफेस्टेशन है वो है ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक एंड कोमा। नेक्स्ट डिसरिदमिया, वार्म फ्लश स्किन एंड हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के मैनेजमेंट की। तो जैसा कि हमने लिखा, ट्रीट अंडरलाइन कॉज ऑफ एसिडोसिस, यानी एसिडोसिस के जो अंडरलाइन जो कॉज है उसको ट्रीट करने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने बात की थी डायबिटीज मेलाइटिस की, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस ब्लड ग्लूकोज लेवल को यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक हो जाएगा। रीनल इंसफिशिएंसी, रीनल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करने से, हाई फैट डाइट को हम रिड्यूस करेंगे, लो फैट डाइट लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में राहत मिलेगी। सीवियर डायरिया, डायरिया को करेक्ट करेंगे, जो कोज है उसको ट्रीट करने से हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। व्हाट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का जो मतलब होता है वो होता है कि जो बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो मोर देन 28 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जो पीएच है वो मोर देन 7.45 से अधिक होगी और जो बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो मोर देन 28 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होगा। जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट का जो लेवल होता है वो होता है 22 से लेकर 28 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कॉजेज की, कौन कौन से कॉज है। फर्स्ट जो कॉज है वो है मेसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन एल्कलोसिस की कंडीशन अराइज होगी। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन अराइज होगी। सेकेंड जो कॉज है वो है एक्सेसिव वोमिटिंग, जीआई सक्शनिंग या एंटा एसिड का यूज। एक्सेसिव वोमिटिंग की वजह से क्या होगा कि स्टोमक से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका लॉस होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट का जो लेवल है कंपेरिजन बट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन अराइज होगी। इसके साथ ही हमने गायनिकोलॉजी के अंदर एक पढ़ी होगी हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम। हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर सीवियर वोमिटिंग का होना। ये कब होती है हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम, सीवियर वोमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसमें क्या होता है कि जब अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम में क्या होता है,
वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस होने की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। लेकिन कंटिन्यू वोमिटिंग होने की वजह से जो ओरल इंटेक है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओरल इंटेक डिक्रीज हो जाए या फिर स्टारवेशन की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपनी जो बॉडी होती है वो फैट का मेटाबॉलिज्म करती है। फैट का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से कीटो एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है। और इस प्रकार क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका मतलब यह हुआ कि हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम की जो अर्ली स्टेज होती है उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जबकि हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम की लेट स्टेज के अंदर क्या होगा, हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम की लेट स्टेज के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट कोज की, वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन का लॉस होगा, जिसके तुलनात्मक रूप से क्या होगा, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट कोज की बात करते हैं हम, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी ट्यूबुल्स है उसके अंदर सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके तुलनात्मक रूप से क्या होगा, किडनी ट्यूबुल्स के द्वारा हाइड्रोजन आयन का लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट जो कॉज है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्सेस मात्रा में इन्फ्यूजन कर दिया गया हो, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन अराइज होती है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम की। तो हम फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, वो है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब हुआ रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ डिक्रीज कैसे होती है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए जो रेस्पिरेशन रेट है वो रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होगा कि CO2 का लेवल इंक्रीज हो और वो कंपनसेट करे, ताकि हाइड्रोजन आयन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सके। इस कारण रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। अब सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है हाइपोकैलेमिया। जैसा कि हमने एसिड बेस बैलेंस के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम एक्सचेंज होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है और जो हाइड्रोजन आयन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब क्या होगा, बॉडी के अंदर जो पोटेशियम होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोटेशियम होता है वो इंट्रा सेलुलर के अंदर एंटर करता है और वहाँ पे से जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में भेज देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। अब हम थर्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो है हाइपोकैल्सीमिया। जैसा कि हमने पीछे भी बताया था कि हाइपोकैल्सीमिया कैसे अराइज होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन में स्पेशली जो एल्बुमिन है वो क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का कार्य करती है। तो इसके अंदर जैसा हमने बताया था कि प्रोटीन का जो फॉर्मूला है वो है RCHNH2COOH। अब क्या होता है, जब एल्कलोसिस की कंडीशन होता है तो प्रोटीन के अंदर जो COOH है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज करता है, COO- शेष रह जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, उसको जो COO- है वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। सेकंड बात करते हैं हम ट्रेमर, टिटनी, मसल्स क्रैम्प्स, टिंगलिंग सेंसेशन। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या होगा, ट्रेमर्स, टिटनी, मसल्स क्रैम्प्स आदि कंडीशन अराइज होगी। इसके साथ ही सीजर्स, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, टेकिकार्डिया एंड डिसरिदमिया आदि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के मैनेजमेंट की। तो जैसा कि हमने लिखा है, ट्रीट अंडरलाइन कॉज ऑफ एल्कलोसिस, यानी एल्कलोसिस के जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करके हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि पेशेंट को यदि एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, वोमिटिंग को रोकेंगे। वोमिटिंग को रोकने से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका लॉस नहीं होगा, और HCl का लॉस नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन को डिक्रीज किया जा सकता है या हम नॉर्मल लाया जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने कहा था कि डायूरेटिक्स का यूज है वो कम कर देना है या फिर स्टॉप कर देना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, साथ ही जो एंटा एसिड का जो यूज एक्सेसिव यूज हो रहा है उसको कम कर देना है, और मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जो जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करके हम क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को करेक्ट कर सकते हैं। हमने आज के इस वीडियो में एसिड बेस इम्बैलेंस, उसके टाइप्स, कोजेज एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा तथा अच्छे से समझा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
हम इसका अवश्य रेस्पॉन्ड करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एबीजी एनालिसिस एंड एलन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अतः आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।